1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार समेत 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा, 31 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर। दिल्ली के राजनगर में 5 सिखों की हत्या हुई थी, सज्जन समेत 6 लोगों पर था आरोप। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी के नाम का किया समर्थन, कहा 5 राज्यों में जीत दर्ज कर बढ़ाया कद, विपक्ष हुआ हैरान। एनडीए में बीजेपी के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने कहा कि राम मंदिर एक पार्टी का एजेंडा हो सकता है, न कि पूरे एनडीए और केंद्र सरकार का। आम चुनाव में बीजेपी विकास के एजेंडे के साथ चुनाव लड़ेगी। 13 सालों से मध्य प्रदेश में काबिज बीजेपी में शिवराज को लेकर मंथन जारी, राज्य में नेता विपक्ष पद के लिए शिवराज है मजबूत दावेदार, लेकिन आरएसएस शिवराज को जिम्मेदारी देने के खिलाफ, नरोत्तम मिश्रा या गोपाल भार्गव जैसे किसी वरिष्ठ नेता के पक्ष में संघ। और केंद्रीय मंत्री अठावले ने दी राहुल गांधी को सलाह, कहा पप्पू नहीं आपको पापा होना चाहिए, जल्दी करें शादी। एनडीए का एक सहयोगी दल है अठावले की पार्टी आरपीआईए, राज ठाकरे भी राहुल गांधी को कह चुके हैं पप्पू। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।